नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आई एम पलक, असिस्टेंट ऑफ अमित कपूर सर। जैसे कि आप सब व्यूवर्स हमें बहुत सारा प्यार और सम्मान करते हैं, आपकी सपोर्ट की वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। ठीक है, अब हम स्वागत करते हैं अमित जी का। नमस्कार अमित जी। नमस्कार पलक जी। नमस्कार। बहुत सारे व्यूवर्स के हमें क्वेश्चंस आए हुए हैं Q&A के बारे में। वो हमसे बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं कि जैसे सोलर सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं, उनका हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनके मतलब क्या अप एंड डाउन हमें फेस करने पड़ेंगे कोविड की वजह से, तो क्या आप एक्सप्लेन व्यूवर्स के साथ डिस्कस करते हैं हम उसके बारे में। जी पलक जी, पलक जी, सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता है ये जुपिटर जो है 28 जून को रेट्रोग्रेड हो रहे हैं जी, बिल्कुल। और जो कि 18 अक्टूबर तक रेट्रोग्रेड रहेंगे जी। उसके बाद आप समझ लें कि मरकरी इस मंथ 22 जून तक रेट्रोग्रेड है जी। और उसके बाद आप आ जाएं कि सैटर्न रेट्रोग्रेड है 23 ऑफ मई से लेकर 11 अक्टूबर जी। तो ये जो टाइम जो है ये ह्यूमैनिटी के लिए ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है जी। चाहे शनि लोगों की नज़रों में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिसर्चर ऐसे हैं, वो ये बोलेंगे यार शनि मकर राशि में है, अपनी राशि में है तो वहाँ पर बकरी है तो बड़ा स्ट्रांग है। हालांकि मेरा ये मानना है कि ठीक है वो मकर राशि में आप अपने स्ट्रांग पोजीशन में है, और रेट्रोग्रेड होने की वजह से, क्योंकि जो क्रूर प्लैनेट होते हैं, जो नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट होते हैं, उसकी रेट्रोग्रेशन में क्रूरता और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो सौम्य प्लैनेट होते हैं, जो बेनिफिशियल प्लैनेट होते हैं लाइक जुपिटर और मरकरी, इनकी रेट्रोग्रेशन में सौम्यता यानी कि परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो अक्टूबर 11 तक का जो पीरियड है, क्योंकि सैटर्न इज रेट्रोग्रेड इन काल पुरुष चार्ट इन 10th हाउस, और वो 12th हाउस को देख रहे हैं, 4th हाउस को देख रहे हैं, और वो उसके बाद आप लगा लें 7th हाउस को देख रहे हैं जी। तो ये जो सारी पोजीशंस बन रही हैं, अगर मैं काल पुरुष की चार्ट को स्टडी करूं तो जब तक शनि मकर राशि में वक्री हैं, ये ह्यूमैनिटी को लेकर ज़्यादा अच्छा पीरियड नहीं है। चाहे वो पैंडमिक है, चाहे कोई वार है, चाहे कोई चक्रवात आना है, भूचाल आना है, अर्थक्वेक आना है, या कुछ भी ऐसे इंसिडेंट होने हैं पलक जी कि जो हमें आने वाले समय में ह्यूमैनिटी को लेकर और ज़्यादा डेंजरस रहेंगे, तो हम सबको अलर्ट होके चलना है। अपने पेरेंट्स का, बुजुर्गों का खास करके ध्यान रखना है। ये आप समझ के चलें कि अपने अपने बुजुर्गों की हेल्थ की ओर फोकस करें, उनको बहुत ज़्यादा अहमियत दें, ठीक है ना। क्योंकि ये समय जो है, क्योंकि शनि एक मंद गति से चलने वाले प्लैनेट है, एक स्लो मूविंग प्लैनेट है पलक जी, तो वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं रिजल्ट देते हुए। अच्छा देंगे तो भी टाइम लेंगे, बुरा देंगे तो भी टाइम लेंगे। तो यहाँ पर जो शनि की स्थिति बन रही है वो थोड़ा सा क्रूशियल पीरियड लेकर आने वाली है। सो वी नीड टू बी केयरफुल। ये सबके लिए बहुत ही स्ट्रगलिंग टाइम रहेगा, इसलिए हम सबको सतर्क होके रहने की ज़रूरत है। तो भी बस सब अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का, अपने बच्चों का खास ध्यान रखिए। तो आज हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो हमें सबसे पहला मैसेज डिंपल भाटिया जी का आया है, तो उन्होंने आप पहले तो आपको लिखा है, वो आपको बहुत ही बड़े फैन है, बिग बिग फैन। थैंक यू डिंपल जी, थैंक यू जी। उनका अब हम क्वेश्चन की शुरुआत पर जाते हैं जी। आई अंडरस्टैंड माय पलक जी, आप मुझे पहले उनका डेट ऑफ बर्थ दें जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 21/7/1982। द बर्थ टाइम 12:07 PM। 12:07 PM PM बर्थ प्लेस मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र जी। अब पलक जी इनका क्वेश्चन बताएं कि क्या है। ये जानना चाहते हैं कि आई अंडरस्टैंड माय ओन चार्ट वेरी वेल, बट आई वांट टू नो इफ आई हैव एनी योग फॉर अ सेकंड मैरिज। ये 39 इयर्स ओल्ड के हैं, नो साइन ऑफ पार्टनरशिप इन साइट। आई फील हैव गुरुज ब्लेसिंग ऑन मी बट नॉट इन लव। आई हैव बीन ट्राइंग एंड ट्राइंग सिंस 7 इयर्स नाउ since my first divorce. Never had a proper relation. Is there any chance of second marriage? I know Saturn and Mars in Lagna is very bad, but I do Hanuman Chalisa every day. I do Mars Beej Mantra every Tuesday. Okay. So, सबसे पहले तो डिंपल जी, आप एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, ये आपको ये पता है कि आपका वर्गो असाइनस है, और सैटर्न और मार्स का कंजक्शन है, नियरेस्ट कंजक्शन है। 22 डिग्री पे शनि है और 29 डिग्री पे मार्स है। तो सबसे पहले तो मैं डिंपल जी आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा, इन दोनों प्लैनेट्स का आस्पेक्ट, 7th आस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे है, जो कि शादी का घर है, और ऊपर से शुक्र भी आपका राहु केतु के एक्सिस में है।
देखिए किसी भी एंगल से मुझे सक्सेसफुल मैरिज लाइफ आपके चार्ट में नहीं दिख रही। अगर आप सेकंड मैरिज करते हैं, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे मैट्रिमोनियल्स के थ्रू, आपकी सेकंड मैरिज हो गई, लेकिन वो सेकंड मैरिज आपकी मुझे इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होती हुई नहीं दिख रही। तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर बेटर है कि यहाँ पर आपका करियर ओरिएंटेड है, आपके लिए पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं, आप पैसा कमा सकते हैं, गुरु की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा रहेंगी, जैसे कि आपने बोला आपके ऊपर आपके गुरुदेव की ब्लेसिंग्स हैं या जिनको भी आप मानते हैं या पूछते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतनी एडवाइस यहाँ पर देना चाहूँगा कि ये आपके हॉरोस्कोप में और आपके नवांश में भी अगर हम देखें, सन आपके लगन में जाकर बैठ गए, अब उनका भी सेवंथ आस्पेक्ट आपके सेवंथ हाउस में है, और आपके नवांश में वीनस जो है सेजिटेरियस में है, जुपिटर के साथ कंजक्शन में है, वो भी अच्छे नहीं है। यानी कि आपकी लगन कुंडली में और आपके नवांश में वीनस जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आपका सेवंथ हाउस D1 और D9 में डैमेज हो रहा है, ऊपर से आपके ऊपर शुक्र की दशा चल रही है। अफेयर्स आपके ज़रूर रह सकते हैं, आप लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लेकिन कहीं से भी मुझे ये नहीं दिख रहा कि आपकी सक्सेसफुल मैरिज हो, या अभी आपकी कोई शादी के योग नियर फ्यूचर में मुझे बनते हुए नहीं दिखते। लेकिन एक योग 22 अप्रैल 2022 के बाद आएगा, जब जुपिटर सेवंथ हाउस में पाइसिस साइन में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे, तब आपके रिश्ते के शादी के योग बनेंगे। लेकिन सक्सेसफुल मैरिज आपके हॉरोस्कोप में नहीं है, या तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट ही करनी पड़ेगी, या तो आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो कि हाँ आप सेकंड मैरिज करने वाले हो, लेकिन आपने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया है कि आपने उसमें एडजस्टमेंट करनी है, पति जैसा भी हो आपको एडजस्ट करना है। अगर ऐसी थॉट रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी सेकंड मैरिज चल पड़ेगी, अदरवाइज यहाँ पे आपको सफ़र करना पड़ेगा। अब क्या रेमेडी करें कि शादी हो जाए? फ्राइडे वाले दिन एक आटे का पेड़ा लें, उसके ऊपर देसी घी लगाएं, थोड़ा सा चीनी लगाएं, चावल लगाएं, और वो सफ़ेद गाय को जाकर खिलाएं, और फ्राइडे वाले दिन गौशाला में जाकर चैरिटी दें, 500 रुपया 1100 रुपया 2100 रुपया जो भी आप अफोर्ड करते हो, 100 रुपीज़ वो करें। रेमेडी नंबर थर्ड, गरीब कन्याओं को, छोटी कन्याओं को जो बच्चियां होती हैं, उनको आपने फ्राइडे वाले दिन खीर खिलानी है, 7 वीक रेगुलर, एक बार फिर 7 वीक रेगुलर। तो अप्रैल 2022 के बाद आपके लिए रिश्ते के योग खुलेंगे, एंड यू शुड वेयर वाइट टोपाज, जिस जो आपके जुपिटर को और आपके वीनस को स्ट्रॉन्ग करे। ओवरऑल प्रोफेशनली आपका चार्ट बड़ा अच्छा है, डिवाइन ग्रेस आपके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सक्सेसफुल मैरिज नहीं है। अगर आप ये स्मॉल स्मॉल रेमेडीज करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़र्क पड़ेगा, और एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, और आपको थोड़ा सा अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर ना ईगो कूट कूट के भरी हुई है। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मार्स का लगन में होना या मार्स का सेवंथ हाउस में होना। जिन लोगों के हॉरोस्कोप में मार्स फर्स्ट हाउस से सेवंथ हाउस में है, उनके अंदर ना पलक जी ईगो इतनी कूट कूट के भरी होती है कि उनको हमेशा यही लगता है कि वी आर द बेस्ट, कि हमारा लाइफ पार्टनर जीरो है जी। अगर आप डिम्पल जी इस थॉट को दिमाग में रखेंगे तो शादी बिल्कुल ना करें दूसरी, क्योंकि शादी का दूसरा नाम ही झुकना है। हाँ, एक बार झुको, दो बार झुको, पांच बार झुको, अगर बार बार झुकना पड़े तो फिर छोड़ दो। शादी तभी चलती है अमित जी जब तक हम अंडरस्टैंड होके दोनों के बीच की लड़ाई को सुलझा के अपने रिश्ते को बरकरार रखते हैं। जी पलक जी, लेकिन यहाँ पर इनके चार्ट में ये है कि ये डोमिनेटिंग नेचर के हैं, जिस वजह से इनको शादी में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, या पहले डिवोर्स हो गया है, या सेकंड मैरिज को लेकर भी प्रॉब्लम है। सो यू नीड टू बी केयरफुल, आप जो भी करें थोड़ा सा सोच समझ के करें, ठीक है ना, एक सही तरीके से करें, और ये वीनस की रेमेडीज जरूर करें, थर्सडे के फास्ट जरूर रखें 17। अगला मेल बताएंगे। हाय, अगले हमारे नेक्स्ट व्यूअर का नाम है चिराग चौधरी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 2004 जी, 4 AM बर्थ प्लेस जी उत्तराखंड रुड़के, उत्तराखंड रुड़की जी। RURKE नो ROOR KEE रुड़की जी। अमित जी ये जानना चाहते हैं कि इनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या प्राइवेट जॉब लगेगी, कौन सी इनके लिए बेस्ट रहेगी, क्या ये फ्यूचर में करें और क्या ना? देखिए, गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस तो हैं, लेकिन एफर्ट्स आपको चिराग जी बहुत करने पड़ेंगे। शनि आपका आपके हॉरोस्कोप में स्ट्रॉन्ग है, 11th हाउस में है, उपचय भाव में है,
और आपके जो 10th हाउस का लॉर्ड है और आपके जो लगन लॉर्ड है मरकरी, वो भी आपके सेकंड हाउस में है। देखिए कॉम्बिनेशंस तो ऐसे बन रहे हैं कि आपको काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद एक दो बार आप शायद फेल भी हो जाओ या किसी कारण आप एग्जाम्स ना दे पाओ, लेकिन एट द एंड उसके बाद यू विल गेट गवर्नमेंट जॉब, दैट इज़ फॉर श्योर, बिकॉज सैटर्न इज़ वेरी प्रॉमिसिंग इन उबार चार्ट इन 11th हाउस। सो यू डोंट नो नीड टू वरी, जस्ट फोकस ऑन योर थिंग्स, यू विल डेफिनेटली स्काई हाई एंड यू विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब। नेक्स्ट हमारे व्यूअर है जिया जी। जिया जी, हाँ जी। 7 सितंबर 1992 टाइमिंग 2:30 PM 2:30 PM बर्थ प्लेस शारजा यू यूएई शारजा। इनका क्या क्वेश्चन है जी? इनका क्वेश्चन ये है कि ये इनकी शादी कब होगी और लव होगी या अरेंज होगी। जी हाँ जी, आप मांगलिक हैं, 7th हाउस में मार्स केतु का कंजक्शन है, हाँ वीनस आपका डेबिटेटेड है। देखें लव मैरिज के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है और सक्सेसफुल मैरिज के भी चांसेस बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो लव मैरिज आपकी नहीं होगी और दूसरी बात अगर आप कहीं से कमिटेड हो या किसी की कमिटमेंट है आपके साथ तो आप ये समझ लें कि वो कमिटमेंट पूरी नहीं होगी। तीसरी बात आपके ऊपर राहु की दशा है जो कि आपके फर्स्ट हाउस में है, सेजिटेरियस असेंडेंस है, डेबिटेटेड राहु है, उनकी दशा है। तो मैं आपको ये बोलूँगा आपकी शादी ही सबसे वीक जो है वो एक पॉइंट है, एक वीक सेक्टर है आपके हॉरोस्कोप में। जिया जी आप नॉलेजेबल हैं, आप समझदार हैं और ऊपर से शनि की साढ़े सती है, राहु की महादशा है, तो अभी शादी के कोई चांस मुझे नहीं दिख रहे बनते हुए। अरेंज मैरिज होगी और वो भी यहाँ पर आपके दो मैरिजेस के योग बन रहे हैं। यू नीड टू बी केयरफुल, बिना मैच मेकिंग किए शादी ना करें और फ्राइडे वाले दिन अपने बॉडी वेट का 10th पार्ट वो धर्म स्थान पर मंदिर या गुरुद्वारे में दान करें, जैसे चीनी चावल या हम बोल सकते हैं दूध, कोई भी एक चीज़। जैसे आपका जो वेट है वो अगर 60 किलो है तो आपने 6 किलो हर फ्राइडे 6 किलो चावल चीनी या दूध आपने दान करना है धर्म स्थान में, खास करके गुरुद्वारा साहब में जहाँ पे लंगर बैठता हो। तो आप ये रेमेडी करें, अरेंज मैरिज आपकी होगी। ये रेमेडीज आपने ता उम्र करनी है, शुक्र को स्ट्रॉन्ग करते रहें क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में नीच का है। मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में अपने बहुत सारे व्यूवर्स को ये बताता हूँ कि अगर शुक्र वीक हो बर्थ चार्ट में, लाइक आपके 6 नंबर में हो, 4 नंबर में हो, 5 नंबर में हो, 9 नंबर में हो, तो मैरिज लाइफ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं जाती। तो यहाँ पर आपकी अरेंज मैरिज भी मुझे सक्सेसफुल जाती नहीं दिखती। मैं आपको नेगेटिव नहीं करना चाहता बट फैक्ट इज़ फैक्ट, सो आई जस्ट सजेस्ट यू यू नीड टू बी केयरफुल वाइल चूजिंग योर लाइफ पार्टनर एंड यू मस्ट गो फॉर द मैच मेकिंग, देन यू प्लान योर मैरिज। जी थैंक यू। जी नेक्स्ट व्यूअर पर आते हैं, इनका नाम है अंबर। इनका नाम है अंबर, ए ए एम बी ए आर, अंबर जी। And the date of birth is 23rd December 1990 जी। 2:45 AM birthplace साहिलवाल पाकिस्तान। साहिलवाल पाकिस्तान जी, तो हमारे पड़ोसी मुल्क से जी। साहिलवाल है जी, ये सिटी होगी साहिलवाल जी जी। जी बताएं इनके बारे में क्या पूछना है। लिब्रा से ये जानना चाहते हैं कि मतलब इनकी सारी लाइफ कहते हैं कि पेरेंट्स और फ्रेंड्स के टॉर्चर में गुजरी है, शादी भी नहीं हुई अभी तक, ना ही कोई करियर एस्टेब्लिश्ड है, शादी कब होगी, करियर में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, ये जानना चाहते हैं। एम्बर जी सबसे पहले तो वालेकुम सलाम और उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होंगे। और देखिए आपके हॉरोस्कोप में सबसे पहले इस समय शनि की साढ़े सती चल रही है, आपका एक्वेरियस मून साइन है और फर्स्ट साइकिल साढ़े सती का चल रहा है जो कि जनवरी 20 से लेकर अप्रैल 22 तक चलेगा।
तो ये सारा पीरियड आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। ऐसे ही थॉट्स आपके मन में रहेंगे कि यार मेरे को फैमिली टॉर्चर कर रही है, दोस्त टॉर्चर कर रहे हैं, या मेरी शादी नहीं हुई है। नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में ज़्यादा रहेंगी। यू नो नीड टू वरी अबाउट योर मैरिज, आपकी मैरिज ज़रूर होगी और अच्छी खासी आपकी मैरिज लाइफ चलेगी, लेकिन जितना ज़्यादा लेट मैरिज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वीनस आपका भी डैमेज है, या हम बोल सकते हैं आप मांगलिक भी हैं, एट्थ हाउस में आपका मार्स है। तो ओवरऑल यू नीड टू बी केयरफुल वाइल्ड मैरिज, और मैच मेकिंग किए बिना शादी ना करें, अभी आपके लिए समय ज़्यादा अच्छा नहीं है। और ख़ास करके 2025 दिसंबर तक आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आपको ऐसी बार बार फीलिंग आएगी कि मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त मुझे टॉर्चर करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, और इसी नेगेटिव थॉट्स को हमने जीतना है अपने कॉन्फिडेंस से। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शनि की 6.5 से मैं भी गुजरा हूँ, तो मुझे पता है कि उस समय किस तरह की चीज़ें माइंड में आती हैं। तो इस समय आपने अपनी पॉजिटिविटी को बना के रखना है, नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। और जितना ज़्यादा आप अपने अल्लाह ताला को याद कर सकते हैं, जितने ज़्यादा धार्मिक हो सकते हैं, जितने ज़्यादा धर्म को फॉलो करेंगे, अल्लाह ताला को याद करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बरकत रहेगी और आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जी नेक्स्ट मेल, नेक्स्ट मेल फ्रॉम प्रियंका। वन सेकंड, मेरा लैपटॉप जरा रीस्टार्ट हो रहा है। जी क्या प्रियंका आपने बोला नाम? जी एक मिनट अभी। जी हाँ जी, प्रियंका जी क्या कहना चाहते हैं? आई एम प्रियंका फ्रॉम देहरादून। आई एम अ टैरट रीडर एंड वांट टू लर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आई एम फॉलोइंग योर चैनल ऑन यूट्यूब एंड रियली लाइक योर प्रेडिक्शंस एंड ट्यूटोरियल्स। आई वांट टू लर्न एस्ट्रोलॉजी इफ यू आर टीचिंग it online or any course that I can buy that you have to read. So questions okay. So सबसे पहले तो प्रियंका जी कि आप टैरो रीडर हो बहुत अच्छी बात है। देखिए अभी मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मैं ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करूं, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा एस्ट्रोलॉजी बहुत खूबसूरत साहित्य है, एक ऐसा उपन्यास है, साहित्य है, एक ऐसी शास्त्र है एस्ट्रोलॉजी, एक ऐसा ज्योतिष, एक ऐसा शास्त्र है जिसकी नॉलेज स्कूल में बच्चों को होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ को डायरेक्शन देता है। ये बताता है कि हमारी लाइफ किस ट्रैक पे जा रही है और हमें लाइफ की बारीकियों से रूबरू करवाता है। तो देखें आप कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर आप उनसे सीखें। अभी मुझे लगता है अभी मेरा वो समय नहीं आया कि मैं ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूं, क्योंकि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय द लव ऑफ माय ऑल व्यूवर्स आई डोंट हैव टाइम टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस। सो बट फ्यूचर में अगर मैं करूंगा तो मैं आपका ईमेल आईडी अपने पास सेव रख रहा हूं, आपका ईमेल, तो हम आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। और आपके प्यार के लिए, विश्वास के लिए शुक्रिया एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी लाइफ। और मैं अपने सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि अपनी पॉजिटिविटी को इस पेंडेमिक में बरकरार रखें, अपने आप को नेगेटिव जोन में ना जाने दें। समय बदलेगा, ज़रूर बदलेगा। देखें क्षमा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती किसी तूफान में फंसी हो तो निकल सकती है। उम्मीद ना छोड़, इरादे ना बदल, जिंदगी किसी पल भी बदल सकती है। तो उस ऊपर वाले पे आप भगवान शिव को मानते हैं, आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, आप वाहेगुरु जी को मानते हैं, आप अल्लाह ताला को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, या किसी को भी मानते हैं, लेकिन एक काम ज़रूर करें, इस समय इंसानियत को माने, उसके बाद धर्म को फॉलो करें, तो आपको डेफिनेटली ये कोरोना से हम लोगों को, यानी मुझे, आपको, ये पलक जी को, जो दुनिया में इस समय त्रासदी मच रही है, वो इसलिए मच रही है क्योंकि धरती पे इंसानियत ख़त्म हो गई थी। झूठ का और फरेब का जो रूप था, रंग था, वो ज़्यादा बढ़ गया था।
तो भगवान हमें ये बताना चाहते हैं कि ये इंसान का रूप, ये इंसान का चोला जो हमने डाला हुआ है, इंसानी स्वरूप जो हमारे ऊपर है, ये बड़ा प्रीशियस है। तो इसको हम दूसरों की हेल्प करने में लगाएं, दूसरों के बारे में कुछ अच्छा करें या कुछ अच्छा सोचें। सो ये समय है आपको इंसानियत दिखाने का। दोस्तों कुछ अपने लिए भी करें, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें, और आपके इर्द गिर्द अगर किसी को आपके मदद की ज़रूरत है तो उससे पीछे बिल्कुल ना हटें। मेरी आप जो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू फॉर योर लव। थैंक यू पलक जी, धन्यवाद करते हैं आपका सभी का जी। बहुत सारे व्यूवर्स हमें बहुत सारा प्यार देते हैं, हमें जी इनका बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। नमस्कार।